लगता है अर्तुरुल साहब मुझसे बहुत नाराज हैं कि खुद आने के बजाय उन्होंने आपको भेजा है। तुम खतरनाक खेल खेल रहे हो निकोला। तुम्हारे गले में मेरे आने की वजह तुम्हारे एहसान का बदला और उसके बाद मुआहदे के बारे में बात करना है। बेहतर होता कि अर्तुरुल साहब तुम्हारी जगह खुद यहां तशरीफ लाते। मैं उन तमाम साजिशों से वाकिफ हूं जो मेरे कले और मेरे खिलाफ रचाई जा रही हैं। दुंदार साहब, दुंदार साहब, अगर आपको वाकई लगता है कि मैं इन तमाम चीजों से लाइल्म हूं तो आप सरासर गलती पर हैं। मैं हैरान हूं कि जब हम बबाई अमराज से निमट रहे थे तो तुमने हमारी सरजमीन पर दाखिल होकर उसे नुकसान पहुंचाया। तुमने हमारे सिपाहियों का खून बहाया और आग लगाई। क्या तुम इसे हम कहते हो? जिस दोस्ती के तुमने दावे किए क्या यही है वो? और साहु जी, क्या उसने मेरी सरजमीनों में दाखिल होकर चोरी नहीं की? क्या मेरे सिपाहियों का खून नहीं बहाया? दुंदार साहब, अगर यहां किसी को हिसाब मांगने का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। चीनी और मंगोलों के उड़ते शोलों से तुम्हारा क्या लेना देना बताओ? कुछ जरूरी इकदामात और कुछ भी नहीं। कैसे इकदामात तकफुर निकोला? जब हम मंगोलों के साथ उलझे हुए हैं तो क्या हमारी नजरें तुम्हारी सरजमीन पर होंगी? तुम मंगोलों की आड़ लेकर माजी का इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर बताओ कि तुम्हारी नीयत क्या है? कुलूजा हिसार या फिर सोत? मैं सिर्फ अमन चाहता हूं, लेकिन आप ये मत भूलिएगा तुंतार साहब, आपके मुश्किल तरीन वक्त में उस्मान ने कुलूजा हिसार हासिल किया, तो मैं आप पर क्यों और कैसे एतमाद करूं? मोहतात रहना जरूरी है। एतमाद बाहिमी होता है निकोला। अगर तुम अभी भी अमन चाहते हो तो फिर इन उसूलों पर अमल करोगे। अगर ऐसा है तो सिर्फ एक ही उसूल होगा। आंख के बदले आंख। खुलकर बात करो। जैसा कि आपकी मुकद्दस किताब में लिखा है दुंदार साहब, ऐ ईमान वालों, तुम पर मकतूलों के खून का बदला फर्ज कर दिया गया। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, और औरत के बदले औरत। तुम्हारा मुताला अच्छा है निकोला। तुम्हारी मुकद्दस किताब में भी लिखा है, दूसरों के साथ वैसा ही सुलूक करो जैसा कि तुम चाहते हो कि वो तुमसे करें। अब बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं और ये दुरुस्त है ना? बिल्कुल दुरुस्त। और जो भी अम्न की सरजमीन पर बुराई बोएगा वो बुराई ही काटेगा। जो भी अम्न की मिट्टी में बुराई का बीज बोएगा उसी को पहले इस फसल की कीमत अदा करनी होगी, और यही कानून अर्तुरुल साहब पर भी लागू होता है। उन्होंने अम्न के दौरान जो कुछ किया उसकी सजा भुगतने के लिए। किसी को भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे वो निभा ना सके निकोला। अर्तुरुल साहब के
पहले ही मुहायदे की जिस शिक पर तुमने बहुत जोर दिया था निकोला, वो मुहायदे में लिख दिया है। इसलिए हम भी यही कहते हैं कि हमेशा आंख के बदले आंख। आंख के बदले आंख।